हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है बच्चों टॉप लेवल, एक होता है मिडल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। लोअर लेवल को सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉप लेवल। आज हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन लोग होते हैं। और मैं बता दूं जो इसके केस स्टडी आती हैं, आपको बताया जाता है ये बंदा इस पोजीशन में काम कर रहा है। आप बताइए वो टॉप लेवल का है, मिडल लेवल का है, लोअर लेवल का है और उसके फंक्शंस क्या है। इस तरह का एक क्वेश्चन पक्का आते ही आता है। जल्दी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक नंबर होते हैं आइडेंटिफाई करने के कि आप कौन से लेवल पर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, और 3 से 4 के फंक्शंस होते हैं। तो अगर हम बात करें टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं बेटा, टॉप लेवल में आते हैं चेयरमैन। तो इन नामों से दिया हो, जैसे मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, सुना ही होगा आपने, सुंदर पिचाई गूगल, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO अमन गुप्ता बोट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर COO नाम से आ जाता है, ये सारा फाइनेंस का फंक्शन यही संभालता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो इन नामों से अगर आपको दे रखा हो तो आप सीधा कहोगे क्या है, ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो याद रखिए बच्चों, इन नाम से दे रखा हो आप सीधा बोलेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है, टॉप लेवल पे। अब अगर हम बात करें टॉप लेवल की, इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा। मुकेश अंबानी की बात करते हैं, जियो की बात करते हैं। मुकेश अंबानी इज अ चेयरमैन ऑफ जियो, है ना। उनके बच्चे अनंत अंबानी, ईशा अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मुकेश अंबानी क्या करता है, मैं आपको एग्जांपल दूँ। जियो फॉर्म होने से पहले मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे ना टेलीकॉम्युनिकेशन इंडस्ट्री में आना है, अपना बिजनेस खोलना है और उसे नंबर वन बिजनेस बनाना है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसे कंपनी को एक ऑब्जेक्टिव दिया कि मुझे टेलीकॉम्युनिकेशन बिजनेस में आना है और उसे नंबर वन बनाना है। तो टॉप लेवल क्या करता है बच्चों, टॉप लेवल क्या करता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है। जैसे मुकेश अंबानी ने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें टेलीकॉम्युनिकेशन बिजनेस में आना है और उसे नंबर वन कंपनी बनाना है। तो जो पहली चीज़ क्या है, पहला क्या हो गया, टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी टॉप लेवल क्या करता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मुकेश अंबानी ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें टेलीकॉम्युनिकेशन बिजनेस में आना है और उसे नंबर वन कंपनी बनाना है। अब सवाल उठता है कि टेलीकॉम्युनिकेशन बिजनेस में जब जियो आई थी तो बहुत कॉम्पिटिशन था, बहुत सारी कंपनीज थी, जैसे एयरटेल थी, आइडिया थी, उनके भाई साहब थे अनिल अंबानी भी थे, वोडाफोन था। उन्होंने कहा इस कंपटीशन में हमारा बिजनेस नंबर वन कैसे बनेगा, उन्होंने कहा इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। अनंत अंबानी और ईशा अंबानी ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए इंटरनेट फ्री कर देंगे और वेरी हाई स्पीड पर देंगे। उस समय इंटरनेट इतनी स्पीड पर नहीं आता था, 2G का भी जवान, 2G का जवान था। तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, हम इंटरनेट फ्री कर देंगे और बहुत हाई स्पीड पर देंगे। यानी कि उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कैसे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। यानी वो जो दूसरा आपका फंक्शन है मैनेजमेंट का, टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यानी कि जो टॉप लेवल होता है वो क्या करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है किस तरह से गोल्स अचीव होंगे। जैसे मैंने बताया ईशा अंबानी और अनंत अंबानी ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम इंटरनेट फ्री कर देंगे, हाई स्पीड देंगे। तो स्ट्रैटेजीज बनाना कि कैसे गोल्स पूरे होंगे, ये भी किसका काम है बेटा, टॉप लेवल का काम है। तीसरा, टू अरेंज रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा टेलीकॉम्युनिकेशन बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस कौन लेकर आया, मुकेश अंबानी का, मैं, अरे अपने मोदी जी अपने फ्रेंड है, मैं ले लूँगा उनसे लाइसेंस, ठीक है जी। और बाकी जो आपको मशीन चाहिए, टावर चाहिए, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी को आप फ़ौरन जाइए और ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो रिसोर्सेज चाहिए, लाइसेंस चाहिए, टावर चाहिए, रूटर चाहिए, वो कौन लाएगा, और बस टॉप लेवल का ही काम है ये। तो यानी कि टू अरेंज रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी टॉप लेवल ही करता है। अब जो 1 साल के लिए इंटरनेट फ्री करना था तो सर्वाइवल कैसे हुआ, अरे मुकेश अंबानी का, मेरा बहुत पैसा है, चिंता मत करो, सर्वाइवल एंड वेलफेयर भी मेरी जिम्मेदारी है, 1 साल के लिए फ्री कर दो, बहुत पैसा है। तो सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में किसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों, टॉप लेवल की जिम्मेदारी होती है, समझ आ रहे बच्चों। उसके बाद अब जो इंटरनेट आपको बताया, ये जो इंटरनेट हो रहा है, टावर्स लग रहे हैं, इससे इन्वायरमेंट को भी खतरा होता है, इससे बर्ड्स मर रहे हैं, चिड़िया तो गायब भी हो गई हैं, चिड़ियाँ जो पहले दिल्ली में होती थी वो तो गायब भी हो गई हैं। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन जो होती है टावर्स की, उस कारण से बर्ड्स को बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो भी बिजनेस करता है उसके जो भी इफेक्ट होते हैं, चाहे गुड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट, इसके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है,
टॉप लेवल ही जिम्मेदार होता है. तो अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो भी बिजनेस कर रहा है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है बेटा? टॉप लेवल के ऊपर ही होती है. सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी को हार्म पहुंचेगा या अच्छी चीज होगी, उसकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? टॉप लेवल की होती है. मुझे बिजनेस इन्वायरमेंट, अभी आप एक चैप्टर पढ़ोगे चैप्टर थर्ड, बिजनेस इन्वायरमेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत चेंजिंग हो रहा है, जैसे फैशन, फैशन चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है. जियो में देख लो, टेलीकॉमेशन में देख लो, कभी 2G फिर 3G फिर 4G फिर 5G. फैशन, पहले लड़कियाँ क्या पहनती थी? साड़ीज. फिर क्या पहनने लग गई? फिर क्या पहनने लग गई? कहते सूट्स, फिर कुर्तीज, फिर बच्चे कहते क्रॉप टॉप. तो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है. हमारे ट्यूशन इंडस्ट्री में देख लो, पहले क्या था? व्हाइट बोर्ड. फिर क्या आया? सबसे पहले ब्लैक बोर्ड था, फिर व्हाइट बोर्ड आया, अब इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल आ गया. तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट. तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है, अगर हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुए तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या कहते हैं, जो बंदे साड़ियाँ बेचते रहेंगे, मैं अब मेरे हमारे घर में हमारे कहते हैं रिलेटिव्स का एग्जांपल है, वो साड़ियाँ ही बेचते रह गए. उनका बिजनेस इतना, जो पहले बहुत अमीर होते थे, उन्होंने अपना बिजनेस चेंज नहीं किया, तो आज इतने वेल नहीं रहे, उतने अमीर नहीं रहे. लेकिन जिन्होंने एक मेरे और रिलेटिव हैं जिन्होंने फैशन के अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस चेंज करते रहे, वो आज बहुत अमीर हो गए हैं. इसी तरह जो बंदे व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते रह जाएंगे, देखना बच्चे कहेंगे, उनको एक नीरसपन आ जाएगा, वो एक कर नहीं पाएंगे. तो जरूरत है कि भैया जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, हमें ढलना है. जैसे हम भी ढले, जब कोविड के आने का हमने पहचाना कि बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, हाइब्रिड मोड में पढ़ना चाहते हैं, तो हमने अपने बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज किया. जो लोग बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने चेंज नहीं करते, वो सर्वाइव नहीं कर पाते बेटा बिजनेस में. तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली अपने ढालना, ये भी टॉप लेवल की जिम्मेदारी है, नहीं तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा. यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को देखना कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रही है, फैशन कैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, ये सब देखना, और साथ में कि उसका इम्पैक्ट क्या कर पड़ेगा बिजनेस का, ये भी टॉप लेवल की जिम्मेदारी है. एंड लास्ट, जो एक बिजनेस में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, डाइवर्स होते हैं. इन सबको एक साथ चलना, नहीं क्योंकि हर किसी बंदे का अपना ऑब्जेक्टिव है. फाइनेंस मैनेजर कहेगा कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, डिस्काउंट मत देना. मार्केटिंग मैनेजर कहेगा नहीं नहीं डिस्काउंट दो, सेल्स बढ़ानी है. तो हर कोई बंदा डाइवर्स है, डाइवर्स ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एक है. तो ये टॉप लेवल का फर्ज होता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनका हर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मार्केटिंग है सेल्स को मैक्सिमाइज करना. तो फाइनेंस मैनेजर कहेगा कि डिस्काउंट मत देना, मार्केटिंग मैनेजर नहीं नहीं डिस्काउंट दो सेल्स बढ़ाओ. तो ये लड़ाइयाँ हो जाएंगी डिपार्टमेंट्स के अंदर. तो लड़ाइयाँ ना हो, कोऑर्डिनेशन रहे, एक साथ मिलकर चले, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? टॉप लेवल की. तो बच्चों, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट. डिफरेंट डिपार्टमेंट में लड़ाइयाँ ना हो, उसमें कोऑर्डिनेशन रहे, पीस रहे, शांति रहे, मिलकर चलें, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? टॉप लेवल की. तो बच्चों, जिस तरह हमने जियो का एग्जाम्पल दिया, इससे आपको फंक्शन क्लियर हो गए होंगे. पहला ऑब्जेक्टिव बनाना, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना. जैसे ऑब्जेक्टिव बनाया क्या, कि हमें नंबर वन कंपनी का बनना है टेलीकॉम्युनिकेशन में. स्ट्रैटेजी, फ्री कर दो, हाई स्पीड दे दो, रिसोर्सेज, लाइसेंस लेना है, मशीनरी लेनी है, रूटर्स लेने हैं. चौथा, वे फ्री करना है तो सर्वाइवल वेलफेयर कैसे होगा, वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है. सारी और रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जो भी बिजनेस की जाए, सोसाइटी जाए, इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है उसके लिए भी यही जिम्मेदार है. सोसाइटी को जवाब भी इनको ही देना है. एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंजिंग है, 3G से 4G, 4G से 5G, उसको भी इनको जिम्मेदारी लेनी, कब 4G से 5G पे जाना है, उसका अगर हमने नहीं गए तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा. लास्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस और मार्केटिंग, इनको इंटीग्रेट करना है, और ताकि कोऑर्डिनेशन आनी है, लड़ाई झगड़ा रोकना है, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे होंगे. तो दिस इज बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कई बार ये भी होता है, फंक्शंस दिए होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि बताओ भाई ये कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है. तो अगर फंक्शंस दे रखे हैं तो फंक्शन से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ये टॉप लेवल पे काम कर रहा है. फिर जो नेचर ऑफ जॉब, अगर हम बात करें टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो जॉब होती है वो स्ट्रेसफुल होती है. अगर एक डिसीजन गलत हो गया ना तो समझो करोड़ों रुपए डूब गए, तो बड़ी स्ट्रेस है ना अगर करोड़ों रुपए डूब गए तो, है या नहीं है? लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट, वो जो प्लानिंग करनी पड़ती है इस काम के लिए, और इसके लिए लॉन्ग आवर्स दिमाग फुकाना पड़ता है. तो लॉन्ग आवर्स ऑफ कमिटमेंट है और स्ट्रेसफुल है, ठीक है बच्चों? तो एक बार ये इसके नोट्स बनाओ और आपको आ जाएगा. थैंक यू.